सब्सक्राइब कीजिए सीमा स्मार्ट किचन चैनल को, बेल को क्लिक कीजिए, इससे सबसे पहला इजी यमी वेज रेसिपी का मैसेज आपको आएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सीमा स्मार्ट किचन। आज हम बनाएंगे चावल की चकली। आपने इससे पहले भी चावल की चकली बनाई होगी, पर इस वीडियो में मैं आपको एक टिप बताऊंगी जिससे चावल की चकली क्रिस्पी बनेगी और तेल भी कम लगेगा। हम इसे स्टीम कुक भी नहीं करेंगे। ये चकली बड़ी ही आसानी से कम समय में बन जाएगी। जब इसे बनाने में टाइम कम लग रहा है तो मैं भी आपका और टाइम नहीं लूंगी। चलिए देखते हैं इसके इंग्रेडिएंट और बनाते हैं चावल की चकली। ये है चावल की चकली के इंग्रेडिएंट जो आपको घर में आसानी से मिल जाएंगे। एक बड़े बाउल में एक कप चावल का आटा ले लीजिए और उसी कप से आधा कप बेसन ले लीजिए। इसमें डाल दीजिए तिल, धनिया पाउडर, जीरा, लाल मिर्च पाउडर या फिर पिसी हुई हरी मिर्च, पिंच भर हींग, नमक स्वाद अनुसार, आमचूर पाउडर और बारीक कटा हुआ कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ते को ले लीजिए और इसे कैंची से या फिर चाकू से एकदम बारीक काट लीजिए। अब इसे मिला लीजिए और अब इसमें एक टेबलस्पून डाल दीजिए तेल और इसे भी अच्छे से मिला लीजिए। मिला लेने के बाद एक बाउल में पानी गर्म कर लीजिए और उसमें से एक कप पानी ले लीजिए। इस खौलते हुए पानी को इसमें डाल दीजिए और किसी चम्मच से इसे मिला लीजिए। गर्म पानी डालने से चकली में एक तो तेल कम लगेगा और बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। अब इसे ढक के रख दीजिए। 15 मिनट के बाद इस पर से ढक्कन हटा के देखिए, हमारा आटा थोड़ा फूल चुका होगा। अब इसे हाथ से अच्छे से मिला लीजिए। थोड़ा ये गर्म होगा इसलिए थोड़ा ध्यान से मिलाइए और एक्स्ट्रा पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको लग रहा है पानी की जरूरत है तो गर्म पानी ही यूज करें, यहाँ पे 1 से 2 चम्मच, और अच्छे से मिला लें। इस टाइप की कंसिस्टेंसी का आटा तैयार हो जाना चाहिए। ये है चकली मेकर और उसका साँचा। इसे लगा लीजिए और इसमें हल्का सा तेल से ग्रीस कर लीजिए। उसके बाद आटे को इसमें अच्छे से भर दीजिए, बिल्कुल दबा दबा के भरिए, नहीं तो इसमें एयर रह जाएगी और चकली बीच बीच में से टूट जाएगी। इस टाइप से भर दीजिए और बंद कर लीजिए। साथ ही तेल को गर्म होने के लिए रख दीजिए। जैसे ही तेल गर्म हो जाए फ्लेम को थोड़ा लो कर दीजिए। एक प्लेट को ऑयल से थोड़ा सा ग्रीस कर लीजिए और चकली मेकर से इस टाइप से चकलियाँ बनाते जाइए और उसका जो आखिरी का सिरा है उसे चिपकाते जाइए, नहीं तो ये तेल में खुल जाएगा। जितनी आपकी कढ़ाई में चकली आ सकती है उतनी ही चकली एक बार में बनाइए। हमारा तेल लगभग गर्म हो चुका है। चकली को कभी भी फैलती हुई कढ़ाई में ही बनाइए और थोड़ा सा आटा डाल के इसमें देख लेंगे तेल गर्म हो गया है कि नहीं। अगर गर्म हो गया है तो फ्लेम को मीडियम कर दीजिए और सभी चकलियों को इसमें डाल दीजिए। इस टाइप से चिपकाते जाइए, डालते समय भी ध्यान रखिए, और फ्लेम को अभी मीडियम ही रहने देना है। और जब चकली एक तरफ से पूरी तरह से फ्राई हो जाए तभी इसे पलटना है, बीच बीच में इसे कलछी नहीं लगानी है। इस टाइप से इसे दोनों तरफ से फ्राई कर लीजिए और उसके बाद जब ये थोड़ा सा गोल्डन कलर का हो जाए तो इसे पेपर टॉवल पे निकालती जाइए। जब तक ये हो रही है तब तक आप दूसरी प्लेट में और भी चकलियाँ बना के रख सकते हैं। इस तरह से आपका टाइम भी बच जाएगा और चकलियाँ जल्दी बन जाएगी। वाओ, देखिए एकदम परफेक्ट क्रिस्पी चकली तैयार है। इस तरह से सभी चकली तैयार कर लीजिए और फिर ठंडी होने के बाद किसी एयर टाइट कंटेनर में भर के रख लीजिए। ये लगभग 15 से 20 दिन तक खराब नहीं होती है। हमेशा की तरह वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वीडियो की लिंक को शेयर कीजिए, और अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है न्यू अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं एक न्यू रेसिपी के साथ। बाय बाय।